इस सेक्शन में हम सीखेंगे कि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो अगर एक्स वाई प्लेन में अगर हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, से एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, तो पहले पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट एक्स वन कॉमा वाई वन ले लेते हैं और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं एक्स टू कॉमा वाई टू। हमें ए से बी तक का डिस्टेंस निकालना है, तो हमें ये लेंथ निकालना है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है एक्स वन कॉमा वाई वन, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा एक्स वन और ये डिस्टेंस हो जाएगा वाई वन। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है एक्स टू कॉमा वाई टू, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा एक्स टू और ये डिस्टेंस हो जाएगा वाई टू। तो ए से बी का जो डिस्टेंस है उसको हम ए बी से डिनोट कर लेते हैं, तो ये लेंथ हमारा ए बी हो जाएगा जो हमें निकालना है। तो अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, इस ट्रायंगल को, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये लेंथ क्या होगा, ये लेंथ हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये करने से हमारा ये वाला लेंथ आ गया और ये वाला लेंथ हो जाएगा हमारा वाई टू माइनस वाई वन, तो ये लेंथ हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन। तो अगर इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं तो ए सी बी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो अगर हम ट्रायंगल ए सी बी में पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो हमें ए बी का लेंथ पता चल जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें मिल जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमें ए बी मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी और बी सी की वैल्यू डाल दीजिए आप, ए सी है एक्स टू माइनस एक्स वन और बी सी है वाई टू माइनस वाई वन, तो यहाँ पुट कर दीजिए। तो हमें ए बी मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। क्योंकि ये टर्म स्क्वायर है और ये टर्म भी स्क्वायर है, इसको हम एक्स वन माइनस एक्स टू भी लिख सकते हैं और इसको वाई वन माइनस वाई टू भी लिख सकते हैं। तो ए बी को हम अंडर रूट ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और इसी को हम डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो अगर हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, से ए एंड बी, ए का कोऑर्डिनेट है एक्स वन कॉमा वाई वन और बी का कोऑर्डिनेट है एक्स टू कॉमा वाई टू, तो हम ए बी का लेंथ पता कर सकते हैं इस डिस्टेंस फॉर्मूले से। अगर इन दोनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट ओरिजिन हो जाए, अगर इन दोनों पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट अगर ओरिजिन हो जाए, मान लेते हैं कि बी ओरिजिन है, अगर पॉइंट ए है एक्स वन कॉमा वाई वन और पॉइंट बी हमारा अगर ओरिजिन हो जाता है, दैट इज जीरो कॉमा जीरो, तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स वन, एक्स टू जीरो हो जाएगा तो एक्स वन स्क्वायर प्लस यहाँ पर वाई टू जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई वन स्क्वायर। तो यही एक्स टू कॉमा वाई टू था और यहाँ पर एक्स टू जीरो है और वाई टू जीरो है क्योंकि पॉइंट बी ओरिजिन है, तो हमने एक्स टू और वाई टू की जगह जीरो डाल दिया, तो हमें मिल गया अंडर रूट ऑफ एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये ए बी आ गया, तो ए बी यहाँ पर हो गया डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन फ्रॉम द ओरिजिन। तो अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला का एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता करना है। तो हमें एक पॉइंट दिया हुआ है 5.6, इसको हम पॉइंट ए मान लेते हैं, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 1.2, इसको हम पॉइंट बी मान लेते हैं। तो हमें
लेंथ ए भी पता करना है। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए दो पॉइंट के बीच में, तो इसको हम x1 कॉमा वाई वन मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम x2 कॉमा वाई टू मान लेते हैं। तो ए बी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो आप x1 और y1 की वैल्यू पुट कर दीजिए तो हमें ये मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ फोर स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 32। तो हमें ये भी मिल गया अंडर रूट ऑफ 32 और ये हमारा आंसर है।